नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबने इसके थंबनेल में देखा कि इस वीडियो में हम जी वेरिएंट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको कितने वेरिएंट्स मिलेंगे और क्या हिसाब रहेगा। तो बेसिकली आपको टोयोटा ग्लैंजा दो वेरिएंट्स में मिलेगी, एक होगा जी वेरिएंट और एक होगा वी वेरिएंट। 6 जून को इसकी लॉन्च है इंडिया में और अभी तक इंजन को लेकर कन्फर्मेशन नहीं आई है कि टोयोटा ग्लैंजा में आपको सिर्फ मारुति के इंजन देखने को मिलेंगे या टोयोटा अपनी इटियोस का इंजन भी इसमें डालेगा। फीचर स्टार्ट करने से पहले जो माइनर एक्सटीरियर चेंजेस हैं आपको वो बता देता हूँ। आपको फ्रंट में क्रोम ग्रिल मिलेगी, हेडलाइट के डिज़ाइन में आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, रियर लाइट में भी आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, स्टेयरिंग व्हील पर मारुति की जगह आपको टोयोटा का बैज मिलेगा और वही चीज़ आपको फ्रंट क्रोम ग्रिल में देखने को भी मिलेगी। तो अब और टाइम ना बर्बाद करते हुए हम इसके बेस वेरिएंट जो कि है जी ट्रिम उसकी बात करते हैं। अभी मैं आपको जितने भी फीचर्स बताऊंगा टोयोटा ने उन सभी फीचर्स की कंफर्मेशन दे दी है। सबसे पहले सेफ्टी की बात करी जाए तो आपको इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स मिलते हैं जो कि एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फीचर हो चुका है। उसके बाद आपको ABS मिलता है EBD के साथ और साथ ही में आपको ब्रेक असिस्ट मिलता है। बेसिकली जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं, एक्सीडेंट होने वाला होता है, गाड़ी स्किड करती है, तब ये तीनों ही फीचर्स काम आते हैं। तो ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छे फीचर्स हैं। उसके साथ आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स मिलती हैं। अगर हम नॉर्मल सीट बेल्ट की बात करें तो जब आप किसी भी गाड़ी में बहुत छोटे हाइट के बच्चे को बिठाएंगे तो जो बेल्ट होती है वो बच्चे के मुंह के ऊपर से निकलने को हो रही होती है, बच्चे की चेस्ट के ऊपर से नहीं निकलती, जो कि सेफ्टी को कम कर देता है। पर अगर आपकी हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट होगी तो आप उसकी हाइट को लोअर डाउन करके सीट बेल्ट जब बच्चे को पहनाएंगे तो उसके मुंह के ऊपर से ना निकल के उसकी चेस्ट के ऊपर से निकलेगी, जिससे कि आपका बच्चा सेफ और सिक्योर रहेगा। उसके बाद सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलती है आपको फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। जब तक फ्रंट पैसेंजर्स सीट बेल्ट नहीं लगा लेते गाड़ी में टैं 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 आवाज़ कॉन्टिन्यूसली आती रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा एक इरीटेटिंग आवाज़ होती है। तो और सीट बेल्ट लगाते के साथ ही ये आवाज़ बंद हो जाती है, जो कि बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर बनता है। उसके बाद आपको स्पीड अलर्ट सिस्टम मिलता है। अगर आपकी गाड़ी बहुत हाई स्पीड्स पर जा रही है तो गाड़ी टैंटा बजना शुरू हो जाएगी, आपको एक वार्निंग होती है कि आप बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, उसको धीरे कर लीजिए। साथ ही में आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा तो नहीं मिलेगा क्योंकि टॉप मॉडल के लिए भी कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, पर रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, उसके दम पर भी आप गाड़ी इजीली अच्छे से पार्क कर सकते हैं। और रियर पार्किंग कैमरा आजकल बाहर मार्केट से लगवाना भी कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं रह गई है, 4-5-6-7 हज़ार में आपका एक नॉर्मल सा कैमरा लग जाता है। साथ में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स माउंट मिलते हैं। अगर आपके घर में छोटे से बच्चे हैं, कोई बेबी है जो वॉकर में रहता है या मतलब जो चल नहीं सकता, बेसिकली 1-2 साल से बहुत छोटे बच्चे, उनके लिए फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। वो इजीली गाड़ी में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट पर बच्चे बिठा सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे की पूरी सेफ्टी रहती है गाड़ी में। उसी के साथ आपको रियर डीफॉगर मिलता है वाइपर के साथ। तो अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बहुत बारिश आती है, बैंगलोर मुंबई, तो ये फीचर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। साथ ही में आपको फ्रंट फॉग लैंप्स मिलते हैं, तो अंधेरी वाली जगह में जाने से पहले आपको 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा। LED प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं, तो ये हो गई सोने पे सुहागा वाली बात। फ्रंट फॉग लैंप्स, LED प्रोजेक्टर लैंप्स, तो लाइट की कमी नहीं होने वाली। और अच्छी बात है कि LED प्रोजेक्टर लैंप्स है तो मेरे मानने में ये वाइट लाइट्स होंगी, नॉर्मल येलो लाइट्स नहीं होंगी। और आजकल वैसे भी वाइट लाइट्स ही ट्रेंडिंग है, येलो लाइट्स ट्रेंडिंग नहीं है। उसके बाद गाड़ी के अंदर आपको 7-इंच स्मार्ट प्ले कास्ट टच स्क्रीन मिलता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ, यानी कि आप अपने मोबाइल को गाड़ी से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऐप इजीली यूज़ कर सकते हैं। भले ही आप एप्पल के यूज़र हों या फिर एंड्रॉयड के यूज़र हों, तो आपको अपने मोबाइल देखकर ही गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ेगी क्योंकि आप दोनों ही तरीके के मोबाइल इस गाड़ी से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें 6 स्पीकर्स मिलते हैं 2 ट्विटर्स के साथ। पहली बात तो किसी भी गाड़ी में 6 स्पीकर्स होना बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद 2 ट्विटर्स, तो आपको बाहर से बेस ट्यूब या कोई भी तरीके का सिस्टम लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बहुत ही तेज़ आवाज़ सुनने, बहुत ही हाई बेस चाहिए तो ज़रूर आपको लगवाना पड़ेगा, बट एक अच्छे खासा बेस और एक अच्छी वॉल्यूम आपको 6 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स आराम से दे देते हैं। उसके बाद उसी वॉल्यूम को या सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलते हैं, तो अपनी कॉल्स को उठा सकते हैं, म्यूज़िक स्टेशन बदल सकते हैं, गाना बदल सकते हैं और वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं बिना अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटाए हुए। साथ ही में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs मिलते हैं, मतलब बेसिकली आप एक बटन दबाएंगे और आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स खुल जाएंगे और बटन दबाने से आप उसका शीशा भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ये फीचर सुनकर बहुत हैरानी होगी कि आपको इसमें नॉर्मल स्टील व्हील्स नहीं मिलते, आपको इसमें 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगर एक कंपैरिजन करूँ तो Hyundai की वेन्यू आई है जो उसके बेस यानी कि ई और बेस से ऊपर वाला वेरिएंट एस वेरिएंट, ई और एस वेरिएंट में आपको 15 इंच का स्टील व्हील मिलता है, और आपको वेन्यू जैसी गाड़ी में 15 इंच के स्टील व्हील्स मिल रहे हैं और टोयोटा ग्लैंजा जैसी गाड़ी में 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्या धमाकेदार एंट्री होने वाली है इस गाड़ी की इंडियन रोड्स पे। उसके बाद सेफ्टी के लिए आपको सेंट्रल लॉकिंग भी मिलती है और कीलेस एंट्री मिलती है। कीलेस एंट्री का फीचर बहुत डिटेल हो जाएगा अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा, उस पर बहुत अलग सी वीडियोस बनी हुई हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको मिलता है, आपको मैन्युअली एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा गाड़ी का टेम्परेचर। आप बेसिकली 22 या 23, 19 इतना टेम्परेचर सेट कर दीजिए और कुछ ही मिनटों में गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर उतना हो जाएगा।
जैसे कि आपका घर का एसी काम करता है वैसे ही आपकी गाड़ी का एसी भी काम करेगा। उसके साथ आपको स्टेयरिंग व्हील में टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग एडजस्टमेंट मिलती है, मतलब स्टेयरिंग व्हील को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर और नीचे और आगे और पीछे की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको चाबी नहीं घुमानी पड़ेगी, सिर्फ बटन दबाना पड़ेगा क्योंकि आपको इसमें पुश बटन स्टार्ट मिलता है। उसके बाद आपको एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट मिलते हैं, मतलब अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हेडरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर या नीचे, अगर हटाना हो तो बात अलग है पर अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर और नीचे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी आपको मिलती है, तो बेसिकली जो ड्राइवर होगा उसके लिए बहुत ही कम्फर्ट रहेगा कि पहले तो वो अपनी हाइट एडजस्ट कर सकता है, ड्राइवर हाइट एडजस्ट कर सकता है, उसके बाद वो स्टेयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकता है ऊपर और नीचे, उसके बाद अपने हाथों की लेंथ के अकॉर्डिंग उस स्टेयरिंग व्हील को आगे और पीछे भी एडजस्ट कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, आपको फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है, तो ड्राइवर की बहुत बल्ले बल्ले है इस गाड़ी में कि वो पूरी तरीके से बहुत कंफर्टेबल है। फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, एडजस्टेबल हाइट, इससे ज़्यादा ड्राइवर को कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस एक डेड पेडल की कमी रह गई तो ये गाड़ी ड्राइवर के लिए और ज़्यादा बढ़िया हो जाती। उसके बाद आपको पावर विंडोज़ मिलती हैं ऑटो अप एंड डाउन फंक्शन के साथ, मतलब एक बटन दबाएंगे तो पूरी शीशा अपने आप अप हो जाएगा, एक बटन दबाएंगे तो पूरा शीशा अपने आप नीचे हो जाएगा। साथ ही में आपको 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स मिलती हैं, ये भी बहुत अच्छा फीचर रहता है। जैसे एक बार मैं अपनी वैगनर में एसी ला रहा था और हम तीन दोस्त थे, तो मैं पूरी ही सीट नीचे करनी पड़ी और जो तीसरा दोस्त था उसको बहुत ज़्यादा पैर फोल्ड करके कैसे ना कैसे कुछ उम्र बना के अपना एसी के साथ एडजस्ट होना पड़ा, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और बेसिकली जब आप कोई ऐसा बड़ा लगेज ला रहे होते हैं या कुछ सामान ला रहे होते हैं, तो 60-40 स्प्लिट रियर सीट की बदौलत आधा हिस्सा, माने कि 40% हिस्सा या फिर 60% हिस्सा डाउन कर सकते हैं और साथ में एक सीट या दो सीट आप बची रहने दे सकते हैं बैठने के लिए। चीज़ छोटी है तो 40% नीचे कर दीजिए, चीज़ बड़ी है तो 60% नीचे कर दीजिए सीट को। उसके बाद आपको LED रियर कॉम्बिनेशन लैम्प भी मिलते हैं। देखा जाए तो फ्रंट में LED प्रोजेक्टर लैम्प्स, रियर में LED रियर कॉम्बिनेशन लैम्प्स, साथ ही में फॉग लैम्प्स, तो ये गाड़ी बाहर से दिखने में बहुत ज़्यादा सही लगने वाली है क्योंकि आपको फ्रंट में क्रोम ग्रिल भी मिलती है। क्रोम वर्क, इतने सारे LED लैंप्स के साथ बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक लुक होने वाली है इस गाड़ी की, क्योंकि इसमें आपको स्टील व्हील्स नहीं अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो लुक बहुत कमाल की होने वाली है। बाकी देखते हैं 6 जून को जब ये गाड़ी लॉन्च होगी तो एक्चुअल में सामने से कितनी बढ़िया लगेगी। उसका लॉन्च भी मैं इस चैनल पर ज़रूर डालूंगा, तो आप हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए उस नोटिफिकेशन के लिए। और इसके बाद मैं वी वेरिएंट की डिटेल्स भी डालूंगा अपने चैनल पे, तो उस वीडियो को भी आप इस चैनल पे देख पाएंगे। बाकी ऑन रोड प्राइजेस जैसे ही रिवील होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन और जो जो इंजन ऑप्शन आपको टोयोटा ग्लैंजा में मिलेंगे, मैं वो सभी फीचर्स सभी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर डालूंगा। और अगर आपने ह्यूंडई वेन्यू से रिलेटेड जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है उसकी रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी वीडियो देखनी हो, तो उसमें हमारी पूरी सीरीज़ बनाई है हमने अपने चैनल पे, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल की सारे ही अलग अलग वीडियोज़ बनाई हैं और डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि कौन से मॉडल में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, कौन से मॉडल में आपको कौन से फीचर्स नहीं मिलेंगे, और कंपैरिजन भी करा आपस में मॉडल्स का कि कौन सा बेस्ट मॉडल रहेगा लेने के लिए और क्या प्राइजेज हैं उनके ऑन रोड प्राइजेस के साथ आई हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे ही लिंक आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। चैनल में भी आप विजिट करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं एंड सभी वीडियोस पे ठीक ठाक व्यूज़ आए हैं, मतलब लोगों को पसंद आई है। तो चैनल विजिट कीजिए, सभी वीडियोस को देखिए और हो सके तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। अगर बहुत ही अच्छी लगी है, लाइक कर ही दिया, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और 67,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 30-32-33,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम 1,00,000 सब्सक्राइबर और YouTube की तरफ से मिलने वाली वो छोटी सी ट्रॉफी के बहुत पास आ जाएंगे, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जयराम जी की। Glanza from Toyota, hatching soon. Hatching soon. Glanza from Toyota, hatching soon. Lands.
soon.